हाँ so yes, मैंने सुना है आपके यू नो ये मेरिड एंड आपकी वाइफ का एक लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग या फिर पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल भी है तो आप जरा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे अगर लेकिन थोड़ा सा अगर <laughs> हाँ उनका एक चैनल है बंगाली दीदी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग एक्चुअली <laughs> वो लाइफस्टाइल स्टाइल नहीं था पहले हमने ऐसा जस्ट उन्होंने एज अ फूड चैनल कुकिंग उनको कुकिंग बहुत पसंद है ऑब्वियसली अब बंगाली है आप समझ सकते होंगे और वो फूड मीन्स हम लोग वी आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हमें कोई चीज नहीं मिलती <laughs> बिल्कुल तो नहीं कहते कुछ भी नहीं मिलता तो वी आर टोटली डिफरेंट फिर सम हाउ सम ये चैनल स्टार्ट हुआ तो अभी ये रन कर रहा है तो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग इसलिए किया क्योंकि हमारे बीच में बहुत नोकझोंक हो नोकझोंक मीन्स फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं तो मैंने उसको कहा पर कैप्चर करो इसको ये आपकी एक मेमोरी रह जाएगी कल को आप मान लीजिए अपने बच्चों को दिखा पाओगे क्योंकि यूट्यूब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है यूट्यूब क्यों क्योंकि ये पहले हम क्या करते थे हम फोटो खींचते थे एल्बम बनाते थे या रिमेंबर exactly. मोटे मोटे एल्बम होते थे फिर हमारी दादियाँ हमारे बच्चों को दिखाती थी फिर नो कोई भी आए उन्हें दिखाती थी मेमरीज तो इट्स लाइक एल्बम मगर इन अ वीडियो फॉर्म आप आने वाली जनरेशन को दिखा सकते हो तो ये देखो मैं ऐसा दिखता था तो यही सब चीज़ें हैं मुझे बड़ा पसंद है यूट्यूब कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा लगता है तो बस यहीं से शुरू हुआ चल रहा है uh, उनका नाम ऐसे बंगाली दीदी करके आया और ऐसे करके तो लाइक वाई इज इट क्या उनका concept है लेकिन वो कॉन्सेप्ट था इससे रिलेटेड जस्ट डेली ब्लॉगिंग एक्चुअली बंगाली दीदी नाम पड़ा ऐसे क्योंकि उनको चैनल बनाना था okay. तो मैंने कहा यार तुम्हारे पास जो पैशन है आप उससे करो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं आपको कुकिंग का पैशन है आप कुकिंग के पैशन से शुरू करो आप ऑथेंटिक बंगाली फूड जो है बंगाली फूड जो है आप वो बनाओ तो फिर हम बनाना शुरू किए बट यू नो फिर मेरे ही दिमाग में वो फतूर आया कि यार हम जो नोक झोंक होती है आप इसको कैप्चर करो ये एक तरीके की मेमोरी बन जाएगी आपके लाइफ टाइम की और फिर हमने बातचीत किया फिर हमने चैनल का नाम वही रखा बट इट बिकम लाइफ स्टाइल अच्छा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी मेरे को थॉट आई थी दिमाग में कि हम हमेशा देखते हैं लेकिन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने भी सबको देखते हैं। हम सोचते हैं उनके जैसे बनना या फिर समथिंग सोचते हैं नहीं सोचते हैं, वो हार्डली मैटर्स बट वो ऐसे ही लोग होते हैं जो जुड़ के बनते हैं बिल्कुल सही बात है तो स्टार्ट सबका यही होता है एग्जैक्टली exactly. कोई एकदम से बड़ा नहीं होता उसे फर्स्ट स्टेप लेना ही है देन वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचता है फिर देन सेकेंड जिस भी फ्लोर तक मतलब जाना है जिस भी लेवल तक उसे जाना है वो धीरे धीरे करके अपनी जर्नी करेगा क्योंकि मतलब आपने देखा भी होगा जो एकदम से पीक पकड़ता है ना वो एकदम से फॉल होता है तो इसलिए जितना स्लोली जाएगा ना तो वो अपनी रूट्स मजबूत करता हुआ जाएगा तो इसलिए हमेशा स्टेप स्टेप बाय चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप और जो पहली स्टेप है हमारी सबकी वो तेरा मेरा बिल्कुल अभी like you know, हम कहा पर है खुद की फ्लैशबैक में देखा तो इट वाज लाइक सो so गुड सबके बारे में जान करके अच्छा लगा आपके बारे में रह गया यार थोड़ा सा अपने बारे में बताओ आप कैसे तेरा मेरा व्यास से जुड़े कैसे आप वहाँ तक पहुँचे सेम आपने जैसे अपनी जर्नी बताई थी कि आपने कुछ लोगों को देखा म्यूजिक करते हुए लेकिन नॉट म्यूजिक आपने देखा थिएटर के टाइम में लोगों को करते हुए तो आपने सोचा कि इनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए प्लेटफॉर्म तो समवेयर डाउन द लाइन मेरे भी चीज़ें थी क्योंकि मैं खुद एक म्यूजिशियन और मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की लेकिन वो कमियाँ थी और उस वक्त में ये सारी इतनी सारी चीज़ें नहीं थी ना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे और ना ही फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना पड़ता था लेकिन वो घंटों के घंटे के पाँच सौ रुपये ऐसे करके लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती और मेरे दिमाग में बहुत सारे सॉन्ग्स चलते थे स्टोरीज होती थी तो वो क्या करूँ तो मुझे लगा कि यार इतने पैसे अगर मैं सिर्फ लगाता हूँ तो उससे बेटर था कि मैंने वो पैसे को इकट्ठे करके अपनी खुद की स्टूडियो खोल ली बहुत अपने लिए भी करता था और दूसरों के लिए भी कर पाता बिल्कुल तो मेरी पर्सपेक्टिव भी खुलती थी कि लेकिन वो और कितने तरीके के चीज़ें बना सकता सही बात है तो जब वहाँ पे करा तो उसके बाद मुझे पता चला कि लेकिन वो मिक्स मास्टर करना पोस्ट प्रोडक्शन करने पर भी आता है चीज़ें और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से एवरीथिंग सब कुछ तो मैंने फिर इसमें अपना दिमाग लगाया कि जब मुझे पोस्ट प्रोडक्शन से करने में जब इतनी चीजें आ रही है चैलेंजेस लेकिन प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन करना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से तो मैंने अपनी खुद की ही चीज़ें स्टार्ट कर दी फिर फिल्म के अंडर में जहाँ पर मैंने पोस्ट प्रोडक्शन करते थे डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हम बट जो हमारी बीच की जो जर्नी है ना उसमें हम कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जुड़ पाते हैं और वो बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रह जाती है इन नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइफ लॉन्ग मतलब जिनके साथ जुड़े उनकी लाइफ तक तो रहेगी रहेगी सही बात उसके आगे रहे ना रहे उसका तो नहीं पता बट कुछ ना कुछ तो ऐसा लेकिन वो हम कर सकते हैं जिसके वजह से दूसरों को भी आ, अपनी स्टोरी या कहानी मिल सके हमें तो अपनी कहानी मिल गई है बिल्कुल दूसरों तो 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 के लिए भी तो कहानियाँ कुछ नहीं सही बात है तो इस चीज़ पे हमने स्टार्ट किया और ऐसे ही चलती गई बींग मैंने बहुत सालों तक परफॉर्म किया घूमाऊँ तो बहुत लोगों को कनेक्ट कर चुका हूँ तो यस देखा कि बहुत लोग हैं जो इस चीज़ में जुड़ना चाहते हैं और बनना चाहते हैं इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबकी अपनी अलग एक यू नो यूनिक लेकिन नो एक्सपर्टीज़ है, आ, हाँ। आ, ए, एक्सपर्टीज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लाइक यू नो सारा काम खुद नहीं करना और लोगों को उनकी एक्सपर्टीज़ देना बिल्कुल सही देने बात है बिकॉज वो जब करते हैं तो वो आ, उतनी ही ज़्यादा पॉलिश प्रोडक्ट निकल के आती है बिल्कुल ये तो सही है आपकी जिस बातों से मुझे एक मॉम की एक बात याद आ गई उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि यू नो इंसान की जर्नी कैसी होती है तो इट्स लाइक अ पर्सन आप सामने से एक एक चीज़ उठाते हो अपने लाइफ में करते और ऐड करते जाते हो आपने रखा हुआ है न उठा रहे हो उठा रहे हो सर्टिन पॉइंट एक आपका आएगा आपको यहाँ से कुछ उठा के रख के आगे बढ़ना पड़ेगा अदरवाइज yeah. आप कुछ उठाने के लिए होंगे ना आप इतने हैवी हो जाओगे hmm. तब आपका काम है आप कुछ रख दो दूसरों के लिए देन नई चीज़ें उठाना शुरू करो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ बहुत डीप यही है। चीज़ है वही चीज़ आप कर रहे हो कि आपने उठा लिया जितना आप उठा सकते थे नाव आप रख रहे हो दूसरों के लिए ताकि आप कुछ नया उठा सको तो यस आज की ये लेकिन वो पॉडकास्ट बहुत ही लेकिन वो डीप कनेक्शन वाली थी लाइक मतलब कहीं ना कहीं हम आपस में जुड़े हुए फील कर रहे हैं एहसास कर पा रहे तो ये पॉडकास्ट मुझे तो मेरे हिसाब से तो लेकिन वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाली थी लेकिन हम एक्चुअली में जुड़े हुए हैं नॉट ओनली अस हम इस दुनिया में सबके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं बस वही है कि हमारे को ऐसे बातें करना और लेकिन अपने एक्सपीरियंसिस शेयर करना जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ उससे बना पाए कुछ कर पाए मुझे पहली बार लग रहा है कि हाँ मेरे पास भी है कुछ बताने के लिए अब तक <laughs> एनालाइज ही नहीं किया था बस भाई जो आई बिलीव हमने ब्रेक में बात की थी कि हम हाँ। जब भी पीछे पलट हाँ। के देखते हैं वो डॉट को जब जोड़ते जो हाँ। आगे के लिए तब, तब हमारे को आगे के रास्ते समझ में आते हैं क्योंकि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ तो मुझे जाना कहाँ है अब मुझे पता है तो ब, आज एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आप दोनों के बारे में जान करके हम आपस में बहुत लेकिन इंटरकनेक्ट हो पाए इस सब चीजों को थाट प्रोसेस को लेकर के तो आकाश मैं आपसे पूछना चाहूँगा लेकिन आयरिश कि और क्या फ्यूचर के बारे में आपके प्लान्स हैं या फिर क्या प्रोजेक्ट अगर आप कुछ डिस्क्लोज करना चाहो या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर आ रहे हो तो बेसिकली uh, यही है कि खुद भी बढ़ना है और साथ वालों को भी बढ़ाना है और काम कर ही रहे हैं तो जितना बनता है उतना काम करते जा रहे हैं म्यूज़िक लाइन में लगे हुए हैं एक एक करके कर रहे हैं उनको रिलीज़ और मूवी आ रही है ऊबर मैन बहुत जल्द ओ टी टी पे आ जाएगी फिर जब वो आ जाएगी तो नेक्स्ट का तैयारी करेंगे तो हमारी बात तो बहुत हो गई आप थोड़ा सा फेम के बारे में बताइए फेम कहाँ तक कैसे सोचता है बेसिकली uh, फेम का फुल फॉर्म है फ्यूचर ऑफ आर्ट्स मीडिया एंटरटेनमेंट तो ये तो अपने आप में डेफिनेशन हो गई है फ्यूचर ऑफ आर्ट्स मीडिया एंटरटेनमेंट तो हम आर्टिस्ट मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर हर एक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है तो हम अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम जुड़ेंगे बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे बहुत सारी चीज़ें करेंगे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी लाइक जितनी जिंदगी होगी कुछ ना कुछ तो जरूर क्रिएट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल गोल्स तो दोनों के सेम ही है बिल्कुल तो मंजिलें तो साथ ही चलनी है बिल्कुल। बिल्कुल। चलते रहना है बस चलते रहना है तो बहुत बहुत ही लाइक यू नो डीप बॉन्डिंग बनी है तो आई बिलीव ये फ्यूचर में बहुत सारी हमारे चीज़ों में झलकेगी दिखेगी लोगों तो कहते हैं ना बात शुरू गया तो दूर तक जाएगी दूर तक जाएगी <laughs> तो दूर तक ही जाएगी बस दूर तक जाएगी